हेलो विद्यार्थियों, तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है इंग्लिश में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल्स बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल्स बताऊंगा कि कौन से इस बार आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको क्लास में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, तुरंत जो भी यहाँ पर मैं आर्टिकल बताऊंगा उन सभी के सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ मैं आपको अभी तुरंत क्लास में ही प्रोवाइड कर दूंगा आज। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा आज मैं आपको आर्टिकल्स तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि मान लीजिए पेपर में कोई ऐसा आर्टिकल आपको मिल गया जिसके बारे में आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आपको वहां पर आर्टिकल छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आर्टिकल जो है आपका टोटल 10 नंबर्स का यहाँ पर आने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी पेपर में छोड़ना नहीं है। तो लिखना तो जरूर है, कुछ भी आ जाए वहां पर तो आपको लिखना जरूर है। तो ये सारे पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर कौन कौन सी चीजें आप यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन से यहां पर आर्टिकल हैं जो इस बार आप सभी को यहां पर तैयार होने चाहिए। बाकी इसके अलावा आपको यहां पर सारे कॉन्सेप्ट देखने हैं, पीडीएफ मैं आपको अभी क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा तुरंत, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने जो है टॉप कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं, जैसे कि एक आपका राइजिंग प्राइस बहुत पूछा जाता है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल आप सभी को अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आपका टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और उसको वहां पर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके अलावा योर विजन इन लाइफ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो चौथा आपका है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। इसके अलावा एंड कभी कभी स्पोर्ट भी साथ में लिख के आ जाएगा, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये भी लिख के आ सकता है। तो ये चारों यहां पर जो है आर्टिकल्स आप सभी को अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है, कोई भी आर्टिकल आपका छोड़ना नहीं है। इसके अलावा अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी पीडीएफ कैसे आपको मिलेगी यहां पर इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पर सभी को टाइप कर देना है एलवी क्लासेस। आप देख सकते हैं यहां पर ये लिखा हुआ है एलवी क्लासेस, बस ये टाइप करना है और सबसे पहली वेबसाइट आपको एलवी क्लासेस मिल जाएगी। इसी वेबसाइट को आपको यहां पर ओपन करना है और यहां पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए वेबसाइट में डायरेक्ट मैंने यहां पर बोर्ड में ओपन किया, तो डायरेक्ट यहां पर मेनू दिख रहे हैं आपको, मोबाइल में जो थ्री लाइंस दिखेंगी आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहां पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया 12th यूपी बोर्ड का आपको शो हो रहा होगा यहां पर 12th यूपी बोर्ड, बस इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है एक न्यू पेज आपका जो है वो ओपन हो जाएगा यहां पर। अब इस पेज में ध्यान दीजिए, यहां पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस पर भी आप ध्यान मत दीजिए, आप सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके आ जाइए, यहां पर आपको स्कीम भी मिल जाएगी आपकी, ठीक है। और इसके अलावा जब स्क्रॉल करके आप लास्ट में आएंगे तो यहां पर मैंने जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है वो सारी यहीं पर आपको दी जाती है फ्री वाली, ठीक है। तो आपने अगर पहले की पीडीएफ नहीं देखी, जैसे कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आपको यहां पर दिया गया। और लास्ट में देख सकते हैं इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया है, और यहां पर ये जो ऑप्शन दिया गया इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपका आर्टिकल जो है वो ओपन होने लगेगा, आप देख सकते हैं एक दो सेकंड का समय लगेगा और यहां पर आर्टिकल जो है ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पीडीएफ जो है पूरी यहां पर इसकी ओपन हो चुकी है आर्टिकल की। यहां पर आपका नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, इससे आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आगे इसी में जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है, तो आपको यहां पर जो है जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिए हैं यहां पर आर्टिकल के, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका टेररिज्म हो गया, ये आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, इस पर आपको पूरा आर्टिकल, राइजिंग प्राइस यहां पर इसका आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर पीडीएफ के लिए जो है तुरंत आपको करना क्या है, सभी को एलवी क्लासेस आपको सर्च कर लेना है गूगल पर, ठीक है, गूगल पर या गूगल क्रोम पर जाकर एलवी क्लासेस आप सर्च कर लीजिएगा और वहीं पर 12th यूपी बोर्ड आपको ओपन कर लेना है। और यहां पर अब ध्यान दीजिए, अभी आपको वो काम बाद में करना है वेबसाइट ओपन करने का, ठीक है, अभी यहां पर कुछ पॉइंट और समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए पेपर में आपको कोई ऐसा आर्टिकल मिल गया जिसके बारे में आपको पहले से कुछ पता ही नहीं है,
तब आप वहां पर क्या करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल की कुछ बातें और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जब भी आपको आर्टिकल लिखना है बोर्ड एग्जाम में तो कभी भी हेडिंग यूज नहीं करनी, याद रखिएगा। आर्टिकल लिखते समय आपको कोई भी हेडिंग वहां पर यूज नहीं करनी है, बल्कि वहां पर आपको जो आर्टिकल लिखना है वो तीन पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। पहला पैराग्राफ होगा जिसमें आपको इंट्रोडक्शन यानी कि जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है उसका परिचय आपको देना है पहले पैराग्राफ में। हेडिंग नहीं डालनी कि आप वहां पर इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दें, हेडिंग नहीं डालनी, बस उसके विषय में आपको वहां पर उसका परिचय देना है। सेकंड, यहां पर मेन बॉडी यानी कि उसका मुख्य भाग जिस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया है उसके बारे में आपको सेकंड पैराग्राफ में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और फिर जो थर्ड ऑप्शन होगा वो कंक्लूजन यानी कि इस निष्कर्ष का, जो भी आपने यहां पर आर्टिकल लिखा है इसका क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो यहां पर आर्टिकल को आपको तीन पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे मेन चीज क्या, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आर्टिकल नहीं भी आ रहा है तो आपको लिखने का तरीका अच्छे से पता होना चाहिए, वही पॉइंट आपको यूज करने। तो सबसे पहले मैंने क्या बता दिया कि आपको तीन पैराग्राफ में लिखना है। इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं, यहां पर आपको ये मैंने पीडीएफ जो प्रोवाइड किया वहां पर भी मिल जाएंगी। आर्टिकल जो होते हैं आपके ये तीन टाइप्स के होते हैं, तो यहां पर मैं आपको टाइप्स वगैरह नहीं बता रहा हूं बहुत ज्यादा, ठीक है, उनकी जरूरत नहीं। बस आपको आर्टिकल जो लिखना है वो स्मॉल सेंटेंस और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने की जरूरत है, छोटे छोटे सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। यहां पर साधारण रूप से इसके तीन भाग, ये मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से तीन भाग होते हैं यहां पर इसके, ठीक है। और विषय के अनुसार अपने विचारों के पक्ष में एग्जाम्पल देने चाहिए। अगर आपको यहां पर जो भी टॉपिक दिया गया है उसके विषय में कुछ एग्जाम्पल पता है तो उनको हाईलाइट करके वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। इससे जो है बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पर एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। तो ये सारी बातें तो हो गई, अगर आपको आर्टिकल यहाँ पर अच्छे से आता है तब तो लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको आर्टिकल आ ही नहीं रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको किस टॉपिक में आर्टिकल लिखने के लिए आया है। जो भी आर्टिकल आएगा, मैंने पहले क्या बताया आपको इंट्रोडक्शन, तो आपको उसी आर्टिकल से संबंधित एक दो लाइन तो कुछ तो थोड़ा बहुत आपको बनाना ही पड़ेगा वहां पर, ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ के गए हैं थोड़ा बहुत तो आपको एक दो लाइन लिखना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या होंगे हिंदी की मदद से उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बना के यहाँ पर ट्रांसलेट करके भी नहीं लिख पाएंगे, तो उनको क्या करना है, एक दो लाइन आप अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा आपके पेपर में ही जो है एक पैराग्राफ आता है, एक या दो पैराग्राफ दिए जाते हैं जिसमें आपको यहां पर क्वेश्चन आंसर उससे जो है छांट कर लिखने रहते हैं, अनसीन पैसेज जो आता है, आप क्या करेंगे उसी अनसीन पैसेज से बीच बीच के सेंटेंस उठाकर अपना आर्टिकल जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये तब करना है जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आर्टिकल छोड़ के नहीं आना है आपको, उसमें जितने भी मैंने तीन भाग बताए हैं उनको आप उसी अनसीन पैसेज वाले सेंटेंस से बना करके पूरा अच्छे से लिख देना है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे, ये याद रखिएगा। तो उसको छोड़ना नहीं है, ये याद रखना है सभी को, अच्छे से आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी अभी इतना समय है कि आप यहाँ पर अच्छे से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन मैंने तब के लिए दिया है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब आपको वो करना है, ठीक है। बाकी मैंने आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, अब आप एलवी क्लासेस ओपन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इन सभी आर्टिकल्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।